आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है काइट, काइट यानी पतंग, पतंग यानी काइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पतंग उड़ाना, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट यानी पतंग उड़ाना। नेक्स्ट हमारा वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग द काइट यानी वह पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट हमारा पतंग नीचे उतारना, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं लैंड द काइट यानी पतंग नीचे उतारना। जैसे हम उदाहरण के तौर पे इसको बोलेंगे उसने पतंग को नीचे उतारा, ही लैंडेड द काइट यानी उसने पतंग को नीचे उतारा। नेक्स्ट हमारा पतंग की फिरकी या फिर चरखी, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइट स्पून, काइट स्पूल यानी पतंग की फिरकी या चरखी, इसको हम इंग्लिश में काइट रील भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मांजा, मांजा को हम इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी मांजा। नेक्स्ट हमारा पतंग की पूंछ जो आपको चित्र में दिख रही होगी, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइट टेल, काइट टेल यानी पतंग की पूंछ। नेक्स्ट हमारा पतंग की नाक या पतंग की चोंच, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइट नोज यानी पतंग की नाक। नेक्स्ट हमारा पतंग की कड़ी, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइट ब्राइड, काइट ब्राइडल यानी पतंग की कड़ी। नेक्स्ट हमारा पतंग की रेखा, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइट लाइन, काइट लाइन यानी पतंग की रेखा। नेक्स्ट हमारा ढील देना, ढील देना हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे रील आउट, रील आउट यानी ढील देना। नेक्स्ट हमारा मांझे को ढील दो, रील द स्ट्रिंग आउट यानी मांझे को ढील दो। नेक्स्ट हमारा मांझे को खींचना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रील इन, रील इन यानी मांझे को खींचना। नेक्स्ट हमारा मांझे को खींचो, रील द स्ट्रिंग इन यानी मांझे को खींचो। नेक्स्ट हमारा पतंगबाजी, पतंगबाजी इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइट फाइटिंग यानी पतंगबाजी, टूर्नामेंट होता है पतंग का। नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट में जब पतंग कटती है, इसको हम इंग्लिश बोल सकते हैं मांझे को काटना है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कट द स्ट्रिंग यानी मांझे को काटना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उसने मेरी पतंग के मांझे को काट दिया, ही कट द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट यानी उसने मेरी पतंग को मांझे को काट दिया। नेक्स्ट हमारा तिल, तिल को हम इंग्लिश बोलते हैं सीसम सीड्स, जो मकर संक्रांति के त्योहार के तौर पर बनाए जाने वाली मिठाई है, इसको हम तिल का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा गुड़, गुड़ जब तिल के लड्डू बनाए जाते हैं तो गुड़ का भी बहुत उपयोग लिया जाता है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं जैगरी, जैगरी यानी गुड़ यानी। नेक्स्ट हमारा तिल के लड्डू, तिल के लड्डू का हम इंग्लिश बोलेंगे सीसम सीड स्वीट बॉल, सीसम सीड या स्वीट बॉल यानी तिल के लड्डू, सीसम स्वीट बॉल भी बोलते हैं या सीसम स्वीट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा खिचड़ी, खिचड़ी को हम खिचड़ी बोलेंगे इंग्लिश में, कोई खास शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा गजक, गजक को हम इंग्लिश में बोलेंगे सीसम सीड बार यानी, सीसम सीड बार यानी गजक।